नमस्कार दोस्तों। अक्सर देखा जाता है कि हमारे घर में जो भी चीजें होती हैं या फिर वास्तु के हिसाब से रखाई जाती हैं, वे सभी चीजें हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालती हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को पेंटिंग का बड़ा शौक होता है और पेंटिंग का इतना शौक होता है कि घर में हर दीवारों पर वे पेंटिंग लगा लेते हैं, या फिर कोई तस्वीरें जिसकी ना तो कोई आकृति होती है, और कभी कभी तस्वीरें आपकी गुडविल देती हैं और कोई तस्वीरें आपको अच्छा नहीं बताती हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ तस्वीरें आपके लिए अच्छी मानी जाती हैं, वैसे वास्तु का हिसाब से देखा जाए तो कुछ तस्वीरें आपके लिए अच्छी भी नहीं होती हैं। जानिए इस वीडियो के दौरान कि आपकी तस्वीरें आपकी जिंदगी में क्या देती हैं और क्या नहीं। यदि आप अपने फूलों की तस्वीर लगाते हैं, सुगंधित फूलों की तस्वीर लगा रहे हैं दीवारों पे, तो वह बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। जब भी आप सुबह उठते हैं और उस तस्वीर को देखते हैं तो आपके जीवन में वह उत्साह जागता है और उस चीज को करने की उत्साह जागती है जो आप करने की सोचते हैं। और यदि आप दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें लगा रहे हैं जो जानवरों की तस्वीर हो और जो खूंखार जानवर हो, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, ऐसे जानवरों की तस्वीर लगाते हैं, तो सुबह उठने के बाद यदि इन्हें देखते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने की भावनाएं जगती हैं कि मुझे आज ये सारी चीजें करनी है और ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। अक्सर देखा जाता है कि यदि ये तस्वीरें लगाते हैं तो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो आपके जीवन पर, आपके करियर पर और आपके हेल्थ पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप इन तस्वीरों को ना लगाएं तो बेटर होगा। आप फूलों की तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जिंदगी एक अच्छी और खिली हुई महक की तरह आपके जीवन में आए। जब भी आप अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, यदि आपको तस्वीरों का बहुत ज्यादा शौक है तो आप युद्ध से रही कोई भी तस्वीर ना लगाएं। अक्सर देखा जाता है कि लोगों को कुछ तस्वीरें ऐसी ही पसंद आती हैं जिसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हो। यदि आप ऐसी तस्वीरें लगाते हैं तो आपके घर में भी लड़ाई झगड़े जैसा ही माहौल रहेगा, या फिर आपके जीवन में लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे, तो आप ऐसी तस्वीरों का ना इस्तेमाल करें। यदि आप अपने घर में तस्वीरें बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो उनमें आप कुछ पक्षियों की तस्वीरें लगा सकते हैं, जैसे डक हो गई, या फिर मोर हो गया, या फिर तोता हो गए। ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल करें जो ब्यूटीफुल लगे और आपकी दीवारों पर भी अच्छे लगे और आपके जीवन पर भी अच्छा प्रभाव डाले। किस तस्वीरों का इस्तेमाल करना है और किस तस्वीरों का नहीं, जानकर अच्छे से सोच समझ कर ही दीवारों का इस्तेमाल करें ताकि आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव सकारात्मकता से पड़े। आपकी यदि पॉजिटिव ही थिंकिंग रहेगी और पॉजिटिव कार्य करेंगे तो सारे कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखें और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।